गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपना जो चैप्टर चल रहा था वो था जैव अणु या बायो मॉलिक्यूल्स। तो उसका जो आज हम टॉपिक लेंगे उस टॉपिक का नाम है एंजाइम और हार्मोन। इसके बारे में आज हम डिटेल से वर्णन और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल एम के बूस्टर पर देख रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी के साथ एक बात और कि अगर इस टॉपिक के अगर आपको नोट चाहिए तो वो नोट्स आप मेरे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो टॉपिक में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक एंजाइम, दूसरा हार्मोन। तो पहले हम एंजाइम की बात करते हैं, उसके बाद हम हार्मोन की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, उससे पहले आप सब लोगों ने एक शब्द सुना होगा उत्प्रेरक। छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा कि वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। अगर वही पदार्थ जब अपनी जैविक या शरीर में होने वाली क्रियाओं में भाग लेते हैं उसे हम एंजाइम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वे पदार्थ या वे रासायनिक पदार्थ जो अपने शरीर में होने वाली अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन उनमें स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंजाइम। अब इन एंजाइम को हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। क्योंकि ये अपनी शरीर की अर्थात जैविक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, इस कारण से हम एंजाइम को क्या नाम दे देते हैं, जैव उत्प्रेरक। अब आगे बात करें एंजाइम के बारे में, सबसे पहले जे बर्जी लियस, क्या लिखा है, जे बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने बताया था और उसने उस समय एमाइलेज एंजाइम के बारे में बताया था। तो सबसे पहले कौन से एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम के बारे में किसने बताया था, जे बर्जिलियस। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे डब्लू कुएहन ने ही जैव उत्प्रेरक को एंजाइम नाम दिया था। इसके बाद एक वैज्ञानिक और आए थे जे बी सरमन ने प्रयोगशाला में लैब के अंदर सबसे पहले यूरिएज एंजाइम को किश्लिकत रूप में संश्लेषित किया। मतलब प्रयोगशाला में सबसे पहले एंजाइम को किसने संश्लेषित किया था, जेबी सम्नर ने यूरिएज एंजाइम को संश्लेषित किया था और ये कहा था कि जो एंजाइम होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो एंजाइम होते हैं वो किसके बने होते हैं, बेटा प्रोटीन। प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ से इतना पढ़ने के बाद अपनी दो तीन बातें निकल कर आए कि जो मुख्य विशेष, एक तो यह रखना कि एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक। दूसरा, जितने भी एंजाइम होते हैं मुख्यतः किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। इसके बाद हम बात करें एंजाइम का नामकरण। तो यहाँ से हम समझते हैं एंजाइम का नामकरण, नोमेन कल्चर ऑफ एंजाइम। मुख्यतः क्या होता है कि एंजाइम जिस क्रिया कारक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम सब्सट्रेट, एंजाइम जिस क्रिया कारक या सब्सट्रेट पर कार्य करता है उसके पक्ष, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो सुफिक्स के लास्ट में, मतलब पक्ष या सुफिक्स के रूप में वहां पर हम एज ASE जोड़ दिया जाता है।
लगभग एंजाइमों का नाम इसी प्रकार से लिया गया है। एग्जाम्पल हम अगर समझने की कोशिश करें तो दो तीन एंजाइम की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे हम एक बात करें कि लिपिड होती है, सब जानते हो क्या लिखा मैंने, लिपिड। लिपिड को ग्लिसरॉल व वसा अम्ल में कौन सा एंजाइम बदलता है, इसी के नाम पे दे दिया लाइपेज। लाइपेज तो जो लाइपेज एंजाइम होता है वो लिपिड को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लिसरॉल और वसा अम्ल। इसी प्रकार से हम बात करें प्रोटीन, तो प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। आगे बात करें माल्टोज, तो माल्टोज को क्या नाम दिया, माल्टेज। तो माल्टोज को माल्टेज एंजाइम किस में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकोज में। और इसके कितने अणु प्राप्त होते हैं, दो, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी। तो नॉर्मली क्या होता है, जो क्रिया कारक भाग लेता है उसी के अंत में एज सफिक्स जोड़ दिया जाता है। ये तो था एंजाइम का नामकरण। अब हम बात करें एंजाइम का वर्गीकरण। तो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है एंजाइम का वर्गीकरण। तो एक संस्था, विश्व की एक संस्था है IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम का वर्गीकरण कितने हिस्सों में किया है, 6 हिस्सों में, कि एंजाइम किस प्रकार से काम में आते हैं उसके आधार पर उन्होंने एंजाइम को इन 6 भागों में डिवाइड कर दिया। ज़्यादातर भागों के नाम उनके काम के आधार पर दिए गए हैं। जैसे पहला दिया ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसका मतलब होता है वे एंजाइम जो ऑक्सीकरण और अपचयन, इंग्लिश में बोलते हो आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो वे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रियाओं में काम में आते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। जैसे श्वसन क्रिया होती है आपकी, किण्वन क्रिया होती है, इन क्रियाओं में जो एंजाइम भाग लेते हैं वो ये होते हैं। दूसरा होता है ट्रांसफेरेज, नाम से पता है ट्रांसफर करने वाले। तो ये एंजाइम क्या करते हैं कि एक समूह को एक क्रिया कारक से दूसरे क्रिया कारक को स्थानांतरित कर देते हैं। तो ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या करते हैं कि कोई एक समूह होगा, उस समूह को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर क्या कर देंगे, स्थानांतरण कर देंगे, ट्रांसफर कर देते हैं। हाइड्रोलाइसेज एंजाइम, इसका मतलब यह है कि वे एंजाइम जो जल अपघटन अभिक्रिया, तो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम है वो कौन से अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, जल अपघटन अभिक्रिया, जहां से जल का मॉलिक्यूल हम बाहर निकाल दें। अब लाइसेज एंजाइम, किसकी बात करें, लाइसेज एंजाइम। लाइसेज एंजाइम का मतलब है कि जल के अतिरिक्त जो अन्य समूह को हम बाहर निकाल लें, जल के अतिरिक्त जब अन्य समूह बाहर निकलते हैं तो वो एंजाइम कौन सी कैटेगरी में आएंगे, लाइसेज एंजाइम। इसके बाद आपका आइसोमेरेजेज एंजाइम, अंतर आणविक पुनर्विन्यास। ये एंजाइम क्या करता है कि अंतर आणविक पुनर्विन्यास, मतलब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अगला लास्ट एंजाइम है लाइगेज या सिंथेटेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम का मतलब होता है कि संघनन क्रिया के द्वारा दो समूहों का संश्लेषण किया जाता है, संघनन क्रिया के द्वारा दो समूह का संश्लेषण किया जाता है। तो ये तो नॉर्मल सा टॉपिक था कि एंजाइम क्या है, एंजाइम का नामकरण कैसे किया, एंजाइम का वर्गीकरण हम किस प्रकार करते हैं।
अब हम आगे इनके बारे में डिटेल से बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछने लायक है वो क्वेश्चन ये आता है, पर्सन इस प्रकार से पूछा जाता है कि एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, क्या लिखा है एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि की एंजाइम है वो किस प्रकार कार्य करता है, तो इसको समझाने के लिए दो वैज्ञानिक थे माइकल व मेंटेन। माइकल व मेंटेन ने समझाने के लिए सिद्धांत दिया था जिसके अनुसार मतलब एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि को समझाने के लिए माइकल व मेंटेन ने एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत के अनुसार जब एंजाइम किसके साथ क्रिया करे, क्रिया कारक के साथ क्रिया करे, एंजाइम को आप रिप्रेजेंट, तो एंजाइम का जानना पहला अक्षर ये होता है क्रिया कारक, को इंग्लिश में क्या बोलते हो आप सब्सट्रेट, इसका पहला अक्षर है। तो जब एंजाइम क्रिया कारक के साथ क्रिया करता है तो उसमें मध्यवर्ती के रूप में एंजाइम क्रिया कारक संकुल बनता है जिससे उत्पाद का निर्माण होता है, और उसने इसकी क्रियाविधि को निम्न पद में समझाया था। एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि को माइकल व मेंटेन ने निम्न पदों में समझाया था। अब इस क्रियाविधि को अगर हम यहाँ से समझें तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि पहले पद में उन्होंने ये कहा कि जो एंजाइम है वो उस एंजाइम क्या करेगा क्रिया कारक के साथ क्रिया करेगा, तो जब एंजाइम क्रिया कारक के साथ क्रिया करेगा तो एंजाइम क्रिया कारक संकुल का निर्माण करता है, तो एंजाइम को हम रिप्रेजेंट किससे करें ई से, क्रिया कारक या अभिकारक पहला अक्षर होगा सबस्ट्रेट, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे एस। तो जब एंजाइम क्रिया कारक के साथ क्रिया करता है तो संकुल बनेगा, संकुल का मतलब कॉम्प्लेक्स ई एस, एंजाइम क्रिया कारक या एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का निर्माण होता है। दूसरे पद में क्या बताया कि जो आपका एंजाइम क्रियाकारक संकुल है वो मध्यवर्ती में परिवर्तित हो जाता है, किसमें परिवर्तित हो जाता है मध्यवर्ती एंजाइम इंटरमीडिएट में परिवर्तित हो जाता है। तो होगा क्या कि जो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो आपके एंजाइम आई का मतलब होता है इंटरमीडिएट, तो किसमें परिवर्तित इंटरमीडिएट, तो यहां से रखना कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है वो एंजाइम इंटरमीडिएट संकुल में परिवर्तित हो जाता है। इसके पश्चात जो एंजाइम इंटरमीडिएट है वो फिर एंजाइम प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है, प्रोडक्ट का पी का मतलब प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का मतलब होता है आपका उत्पाद। इसका मतलब क्या होगा कि जो एंजाइम इंटरमीडिएट है वो एंजाइम उत्पाद संकुल बना लेता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेता है, और लास्ट पद में एंजाइम प्रोडक्ट जो कॉम्प्लेक्स है जो संकुल है वो अलग अलग हो जाएंगे, एंजाइम और पी का मतलब प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, वहाँ से अपने को ये प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से एंजाइम की जो क्रियाविधि है आपकी इस बुक में इस प्रकार से दे रखी है जिसके बारे में हमने बात की है। अब ये कि नॉर्मली यहाँ से एक क्वेश्चन अच्छा और पूछा जाता है एंजाइम के लिए कि ट्रायोसिनेज एंजाइम, ट्रायोसिनेज एंजाइम ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, ट्रायोसिनेज एंजाइम की यदि कमी हो जाए, ट्रायोसिनेज एंजाइम की यदि कमी हो जाए तो हमें कौन सा रोग हो जाता है एल्बिनिज्म रोग
कर लेना। क्वेश्चन एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि ट्राइबोसिनेज एंजाइम की कमी हो जाए तो एल्बिनिज्म रोग हो सकता है। अब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एंजाइम हमने पढ़ा था उसके लिए तीन चार बातें रखना। एंजाइम को एक तो हम क्या बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक। एंजाइम होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम जिस अभिकारक पर कार्य करते हैं उसके लास्ट में एज जोड़ के उसका नाम रख दिया जाता है। एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि को किसने समझाई थी, माइकल और मेंटेन ने। इस क्रियाविधि में मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होता है। ये बातें तो थी अपने किसके बारे में, एंजाइम के बारे में। इसके अलावा कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो इसी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको एक पाचन तंत्र संबंधी टॉपिक मिलेगा जिसमें मैंने बहुत से एंजाइम के बारे में वहाँ डिटेल से बताया, तो चाहे तो आप वहाँ से भी इसके बारे में अध्ययन कर सकते हो। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका हार्मोन। हार्मोन्स बोल दो, हार्मोन बोल दे, हार्मोन क्या होते हैं बेटा? क्या होता है कि थोड़ा सा मैं बायोलॉजी की तरफ आ रहा हूँ वापस से, कि अपने शरीर में ग्रंथि होती है और ग्रंथि दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बहिःस्रावी ग्रंथि और एक होती है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो जो बहिःस्रावी ग्रंथि है इनके द्वारा जो पदार्थ स्रावित होता है उनको तो हम बोलते हैं एंजाइम, और अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो पदार्थ स्रावित होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है, बहिःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है, ये आपको जनरल साइंस का टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एंडोक्राइनोलॉजी, उसमें इनके बारे में डिटेल से मिल जाएगा। बाकी अपने किताब के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं। तो हार्मोन होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। समझे कि हार्मोन, तो हार्मोन की बात याद करें तो पहले, सबसे पहले तो अपने को याद ये करना है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो स्रावी पदार्थ है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित पदार्थ है उस पदार्थ को आप क्या नाम दोगे बेटा, हार्मोन। उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो जो स्रावित पदार्थ है, जो स्रावित पदार्थ है सीधे कहाँ पहुँचाती है, उसको रक्त में, और सीधे वो रक्त से जिस स्थान पर उसको, जो लक्षित स्थान है जिस स्थान पर उसको कार्य करना होता है वहाँ पर चली जाती है। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया जाता है वो हार्मोन सीधे रक्त पर स्रावित, जो रक्त होता है उसमें सीधा स्रावित कर दिया जाता है, और रक्त के द्वारा जिस स्थान पर उसको कार्य करना होता है वह वहाँ पर चले जाते। इसी कारण हार्मोन को रासायनिक दूत भी कहते हैं। हार्मोन को क्या बोलते हैं, रासायनिक दूत, क्योंकि ये जिस स्थान से उत्पत्ति होते उससे दूर जाके किसी अन्य स्थान पे कार्य करते, इस कारण से इसको क्या नाम दिया गया है, रासायनिक दूत नाम दिया गया है। इसके बाद अपने सिलेबस में दे रखा है हार्मोन का वर्गीकरण, हार्मोन का वर्गीकरण। तो हार्मोन को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तीन कैटेगरी में। तो हार्मोन का वर्गीकरण, तो इस हार्मोन को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया बेटा, तीन हिस्सों में। पहला जो प्रकार का हार्मोन है उसको नाम दिया गया पेप्टाइड हार्मोन, दूसरे हार्मोन को हमने नाम दिया था एमिनो हार्मोन, और तीसरे को दिया स्टेरॉइड हार्मोन। सिंपल सा बेटा, कोई हार्ड नहीं है। तो हार्मोन के वर्गीकरण, ये जो वर्गीकरण दिया गया है वो रासायनिक संगठन के आधार पर, किसके आधार पे, रासायनिक संगठन के आधार पे इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, पेप्टाइड हार्मोन, एमिनो हार्मोन और स्टेरॉइड हार्मोन। बेटा पेप्टाइड हार्मोन में साफ समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा, पेप्टाइड बंद होगा। तो वे हार्मोन जिनमें पेप्टाइड बंद पाया जाता है उन्हें पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। और आपको पता है पेप्टाइड बंद किसमें पाए जाते हैं, प्रोटीन में। इस कारण से पेप्टाइड हार्मोन को हम क्या नाम दे देते हैं, प्रोटीन हार्मोन।
क्या नाम दे देते हैं, प्रोटीन हार्मोन। अब हम बात करें इसके एग्जांपल, जैसे आपने नाम सुना होगा इंसुलिन, वैसोप्रोसिन, ऑक्सीटोसिन, तो ये जो हार्मोन लिखे हैं वो सब के सब कौन से हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन। तो पेप्टाइड हार्मोन का मतलब इनमें कौन सा बंद होगा, पेप्टाइड बंद होगा, और पेप्टाइड बंद प्रोटीन में होता है, इस कारण से इनको क्या नाम दिया गया, प्रोटीन हार्मोन, उदाहरण इंसुलिन, वैसोप्रोसिन और ऑक्सीटोसिन। बेटा आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इन तीनों में से एक हार्मोन को, इन तीनों में से एक हार्मोन को प्यार का हार्मोन या लव हार्मोन, लव हार्मोन कहते हैं, तो मालूम करके कमेंट्स में जरूर बताना, या जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं इसका आंसर जरूर बताऊंगा। इन तीनों में से एक हार्मोन को क्या बोलते हैं, प्यार का हार्मोन या लव हार्मोन। अब हम आगे बात करें एमिनो हार्मोन, तो एमिनो हार्मोन का मतलब होता है कि इन हार्मोन में एमिनो समूह होता है। अब एमिनो समूह होने के कारण इन एमिनो समूह होता है और ये जल में विलय होते हैं, एमिनो हार्मोन, तो एमिनो हार्मोन का मतलब इनमें एमिनो समूह होते हैं और ये क्या होते हैं, जल में विलय। तो पेप्टाइड हार्मोन हो गया, इसके बाद हम बात करें एमिनो हार्मोन, तो एमिनो हार्मोन के एग्जांपल की बात करें तो दो एग्जांपल है, एडिनेलिन हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन, एडिनेलिन हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन। क्या लिखा, एडिनेलिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने नाम सुना होगा करो या मरो हार्मोन, या करो या मरो हार्मोन, या 3F हार्मोन, या संकटकालीन हार्मोन, ये सब हार्मोन किसको बोलते हैं, एडिनेलिन हार्मोन को बोलते हैं। अब यहाँ से ये बताओगे थायरोक्सिन हार्मोन, तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, गलगन या गोइटर रोग। तो ये रोग आपने देखा होगा कि गलगन या गोइटर रोग में क्या होता है, घेंगा रोग बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं इसको, घेंगा रोग, जिसमें गला सूज जाता है, तो इनके बारे में आपने पढ़ा होगा समय। अब हम बात करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, किसकी बात करें हम, स्टेरॉइड हार्मोन। तो स्टेरॉइड हार्मोन की हम बात करें तो स्टेरॉइड जो हार्मोन होता है उसमें स्टेरॉइड नाभिक पाया जाता है, स्टेरॉइड हार्मोन में स्टेरॉइड नाभिक पाया जाता है, और इस नाभिक में चार वले होती है, कितनी वले होती है, चार वले। चार वले को थोड़ा सा बेटा ऊपर लिख लेते हैं कि आपको नजर नहीं आएगा। तो जो स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन, तो स्टेरॉइड हार्मोन होता है उसमें स्टेरॉइड क्या होगा, नाभिक पाया जाता है, इस नाभिक में चार वले होती है, कितनी कार्बन की वले होती है, चार, एक तो होती है साइक्लोहेक्सेन और एक हो जाएगी आपकी साइक्लोपेंटेन। तो तीन वले तो किसकी होती है, साइक्लोहेक्सेन की, और एक वले किसकी होती है, साइक्लोपेंटेन की। तो जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वो मुख्यतः जनन हार्मोन होते हैं, जनन हार्मोन, जैसे आपने नाम सुना होगा टेस्टो स्टेरॉइड, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो किसका एग्जाम्पल है, स्टेरॉइड हार्मोन का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से जो अपने जैव जैव अणु या बायोमोलिकुलर चैप्टर में जो अपने एंजाइम और हार्मोन का टॉपिक्स था जो मैंने आपको यहाँ से बता दिया, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका नाम है विटामिन, विटामिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है विटामिन, जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।